बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है कॉनिक सेक्शंस। और कॉनिक सेक्शंस में अब हम जो टॉपिक इस लेक्चर में स्टार्ट करने लगे हैं, उस टॉपिक का नाम है नॉर्मल टू द कर्व्स। नॉर्मल टू द कर्व, ठीक है। तो हमने पिछले लेक्चर में टेंजेंट टू द कर्व पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है, इसलिए इसके बाद ये टॉपिक आया, ठीक है। पहले हमें टेंजेंट्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ये नॉर्मल समझना आसान है। तो टेंजेंट के बारे में मैं थोड़ा सा दोबारा से बताऊंगा कि टेंजेंट क्या होते हैं। टेंजेंट हमने देखा था कि किसी एक कर्व पे, मतलब कोई एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है किसी एक पॉइंट से पास कर रही हो, ठीक है, सिर्फ एक किसी पॉइंट से पास करे, उसको टेंजेंट टू द लाइन कहा जाता है, टेंजेंट टू द कर्व कहा जाता है उस लाइन को, ठीक है। मैंने यही चीज़ मैंने दोबारा से रिपीट की थी कि आपने ये समझना है कि उस कर्व पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे लाइन पास करेगी, कट नहीं करेगी, ठीक है। जिस तरह से मैंने एक कर्व भी ड्रॉ की थी, सपोज ये कर्व है, ठीक है, इसकी टेंजेंट लाइन अगर मैं किसी एक पॉइंट पे बनाना चाहूँ, सपोज मैं इस पॉइंट पे बनाना चाह रहा हूँ, तो ये इस तरह से लाइन इस पॉइंट से पास करती हुई गुजर जाएगी, ठीक है। तो ये टेंजेंट टू द कर्व है, इस कर्व की टेंजेंट लाइन है। अच्छा, अब ये तो टेंजेंट लाइन हमने देख लिया क्या होता है, अब हम नॉर्मल की तरफ आते हैं। नॉर्मल टू द कर्व क्या होता है? सपोज मैं इसी पॉइंट पे जो है नॉर्मल इस कर्व का फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है, ड्रॉ करता हूँ मैं किस तरह से ये नॉर्मल होगा। अब नॉर्मल हम पहले भी मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं, ये नॉर्मल का नाम आपने पहले भी सुना होगा। नॉर्मल होता है 90 डिग्रीज पे कोई, यानी कि चीज़ पास कर रही हो, ठीक है, उसको नॉर्मल कहा जाता है। नॉर्मल टू दैट प्लेन, या नॉर्मल टू, चैप्टर नंबर 4 में भी हमने देखा था नॉर्मल टू दैट प्लेन, या फिर इस तरह से हमने जो है वर्डिंग यूज़ की थी। तो इसी तरह से सेम वही कॉन्सेप्ट है, बस नॉर्मल टू द कर्व का मतलब ये है कि इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन हो, ठीक है, और जिस पॉइंट पे आपने नॉर्मल फाइंड करना है उसी पॉइंट से वो पास कर रही हो, ठीक है। अब ये कट करेगी इस पॉइंट, यानी कि इस कर्व को। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को कहता हूँ ये ए बी लाइन है, तो ये इसको सी डी लाइन में कह देता हूँ, ठीक है, ये सी डी लाइन है। अब ये जो ए बी लाइन है वो क्या है? ए बी लाइन वो टेंजेंट लाइन है, ठीक है। ए बी लाइन क्या है? टेंजेंट है, टेंजेंट टू द कर्व है। और सी डी क्या है? सी डी जो है वो नॉर्मल टू द कर्व है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि टेंजेंट लाइन कर्व के बाहर बाहर से, यानी कि उसको जो है पॉइंट को टच करके पास करी है, जबकि नॉर्मल टू द कर्व क्या है कि वो जिस पॉइंट पे हम नॉर्मल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और वो लाइन जो है वो एक तो उस लाइन पे कट करेगी, ठीक है, उस पॉइंट पे इस कर्व को कट करेगी, और कट किस एंगल से करेगी? उस टेंजेंट लाइन के बिल्कुल परपेंडिकुलर, यानी कि ये दोनों जो हैं लाइन, टेंजेंट और नॉर्मल, आपस में 90 डिग्रीज का एंगल बना रहे होंगे, ठीक है। तो ये होता है नॉर्मल टू द कर्व। तो इसकी हम यहाँ पर जो है डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, किस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो हमने यानी कि इसके बारे में अभी पढ़ा उसी को हम अगर वर्डिंग्स में एक्सप्लेन कर दें तो ये उसकी डेफिनेशन हो जाती है, ठीक है। तो हम कहेंगे द नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट एट, चले हम इस पॉइंट को जो है ये जहाँ पर इसको कट करें, इस पॉइंट को हम पी पॉइंट कह देते हैं, ठीक है। एट, फिर क्या बन जाएगा ये? द नॉर्मल टू द कर्व एट पी पॉइंट, ठीक है, इज द लाइन। कैसी लाइन है? इज द लाइन ऐसी लाइन है थ्रू पी, या थ्रू पी, ठीक है, इज द लाइन थ्रू पी, यानी कि उस पी पॉइंट से वो पास करेगी, गुजरेगी, कट करेगी, ठीक है, परपेंडिकुलर, और साथ में परपेंडिकुलर भी होगी, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। और किसके परपेंडिकुलर है? ये टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट टू द कर्व, टू द कर्व, ठीक है। और टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी, यानी कि उसी टेंजेंट पे ये नॉर्मल होगा, ये परपेंडिकुलर होगी लाइन जिस पॉइंट पे टेंजेंट पास कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ठीक है, पॉइंट सेम होने का, ये नहीं कि यहाँ पर जो है ये जो है
इस पॉइंट पे सपोज मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, इस तरह से टेंजेंट होगा, ठीक है। तो आप नॉर्मल जो है परपेंडिकुलर तो रख रहे हैं, लेकिन इस पॉइंट पे रख रहे हैं, जबकि टेंजेंट इस पॉइंट पे हो और नॉर्मल इस पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे आपने रखना है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कि सेम पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट पास कर रहा होगा, ठीक है, कर्व पे, उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी लाई कर रहा होगा, लेकिन नॉर्मल लाइन जो है वो कट कर रही होगी कर्व को, और टेंजेंट लाइन जो है वो पास कर रही होगी कर्व पे, ठीक है। उसके अलावा नॉर्मल और टेंजेंट लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, यानी कि 90 डिग्रीज़ का एंगल बना रही होंगी। तो ये चीज़ें समझना यानी कि ज़रूरी था। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक जिस तरह से हमने टेंजेंट के लिए सर्कल की एग्जांपल ली थी, ठीक है, कर्व सर्कल को हमने लिया था, यहाँ पर मैं दोबारा से वही सर्कल लेता हूँ, ठीक है। जिस तरह से ये एक सर्कल है और इस पर हम जो है एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे जो है, सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसको हम बोल देते हैं ये टेंजेंट लाइन है, ठीक है, टेंजेंट टू द सर्कल है। अब इस सर्कल की मैं इक्वेशन पहले लिखता हूँ, इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल की जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये मैंने इस सर्कल की जो है यानी कि वो ले ली है, जनरल इक्वेशन ले ली है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, हमने फाइंड करना है कि नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन चाहिए हमें, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि नॉर्मल टू द कर्व होता क्या है, अब नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन चाहिए, टू द कर्व की इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व ये हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल से पहले हमें टेंजेंट पता होगा, तब हम जो है उसका यानी कि नॉर्मल लाइन फाइंड कर सकेंगे। तो टेंजेंट हम इसका किस तरह से फाइंड करते हैं, चलिए यहाँ पर टेंजेंट भी थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा कि टेंजेंट हमने किस तरह से फाइंड किया था। टेंजेंट एक लाइन है और लाइन की इक्वेशन हमें पहले पता हो, लाइन की इक्वेशन किस तरह से आएगी, अगर हमें इस लाइन की यानी कि ये स्लोप पता हो और साथ में एक पॉइंट पता हो, और पॉइंट हमें यही पता हो सकता है जो इस सर्कल पे भी लाई कर रहा है, यानी कि जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ठीक है। तो पी पॉइंट इसको बोल देते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एक्स वन एंड वाई वन, ठीक है। एक्स वन और वाई वन इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के, जिस पॉइंट पे ये टेंजेंट लाइन है कर्व पे। अच्छा, उसके अलावा अब पॉइंट तो चले हमें पता है, अब हमें दूसरा पॉइंट तो कहीं पर भी मालूम नहीं है इस लाइन के ऊपर, तो हम ऐसा करते हैं कि स्लोप ऑफ दिस लाइन फाइंड कर लेते हैं ताकि हम इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिख सकें। तो स्लोप किस तरह से फाइंड करते हैं, जिस तरह पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था कि जो है डेरिवेटिव आप अगर फाइंड कर लें, ठीक है, इस कर्व या जो भी आपको गिवन है, ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन आपको गिवन है, फंक्शन गिवन है, इसका आप डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो इसका मतलब ये होगा टेंजेंट की स्लोप आप फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा टू एक्स प्लस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g प्लस 2f dy by dx प्लस 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास जो है स्लोप इस तरह से हम जो है फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमें dy by dx की यानी के लिए इसको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो dy by dx जो है वो हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू x प्लस g डिवाइडेड बाय y प्लस f। ये हमारे पास स्लोप आ चुकी है टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है, दिस सर्कल, लेकिन ये स्पेसिफिक टेंजेंट नहीं है। अब टेंजेंट तो कोई भी हो सकता है, ये लाइन भी टेंजेंट है, ठीक है, ये लाइन भी टेंजेंट है, इसी तरह से ये लाइन भी टेंजेंट है, ठीक है, इस तरह से ये लाइन भी टेंजेंट है, बहुत सारी लाइन्स यानी कि बहुत सारे टेंजेंट्स बनते हैं सर्कल के, लेकिन हमें स्पेसिफिकली इस टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस पॉइंट को अगर मैं इस स्लोप में पुट कर दूं तो हमारे पास यही वाली टेंजेंट की यानी कि स्लोप आ जाएगी, ठीक है। तो ये मतलब कि इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वन और वाई वन है पी पॉइंट के, तो डी वाई ओवर डी एक्स स्लोप एट पॉइंट एक्स वन वाई वन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो ये बन जाएगा x की जगह x1 आ जाएगा और y की जगह y1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट आ जाती है, इस टेंजेंट की स्लोप आ चुकी है हमारे पास। तो इसको मैं m इज इक्वल टू कह देता हूँ m1, चले हम इसे कह देते हैं m1 की वैल्यू है x1 प्लस g और y1 प्लस f, x1 प्लस g ओवर y1 प्लस f, ये हमारे पास जो है स्लोप की
इक्वेशन या स्लोप की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है, इस टेंजेंट की। चलिए बाकी टेंजेंट्स मैं यहाँ पर रब कर देता हूँ। अच्छा ये तो चलें स्लोप आ चुकी है, अब हमने और मज़ीद हमें और क्या चाहिए, हमने हमें रिक्वायर्ड क्या था, हम इस यानी कि टॉपिक में पढ़ के रहे थे नॉर्मल, नॉर्मल हमने फाइंड करना है। ये तो हमने टेंजेंट की स्लोप फाइंड की है, तो नॉर्मल के लिए, नॉर्मल टू द कर्व के लिए, अब यहाँ इस पॉइंट पे मैं जो है नॉर्मल जो है वो बनाता हूँ, ठीक है, एक पॉइंट भी इधर कर लेते हैं हम। तो नॉर्मल इस तरह से होगा, इस टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होगी, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बना रही होगी, ठीक है, इस तरह से करके ये लाइन होगी, बल्कि ये सेंटर में से पास करती है, ठीक है। तो ये लाइन मैं कहता हूँ कि ये नॉर्मल टू द कर्व है, नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन हमें चाहिए, अब इसकी इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखें इक्वेशन ऑफ, ये भी एक लाइन ही है ना, नॉर्मल टू द कर्व जो है ये भी एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ये, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमने देखा था कि इस तरह से फाइंड की जाती है, या तो आपको दो पॉइंट्स उस लाइन के ऊपर पता हो, ठीक है, या फिर आपको उस लाइन की स्लोप पता हो और साथ में उसका पॉइंट एक आधा जो है, एक पॉइंट आपको पता हो। तो एक पॉइंट तो हमें पता है, ये पॉइंट है, ठीक है, जिस पे ये नॉर्मल जो है कट कर रहा है, तो एक्स वन वाई वन जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं। अब स्लोप हमें नहीं पता, इसी स्लोप के लिए मैंने जो है टेंजेंट की स्लोप फाइंड की है, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि जो है दो परपेंडिकुलर लाइन्स जो होती हैं, ठीक है, इसकी अगर मैं स्लोप को एम टू कहूँ, ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू माइनस वन होता है, मतलब कि इस केस में एम वन इंटू एम टू इक्वल टू माइनस वन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें एक टेंजेंट लाइन की स्लोप तो पता है, एम वन की वैल्यू पता है, तो यहाँ पुट कर देते हैं एक्स वन प्लस जी ओवर वाई वन प्लस एफ इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने किस वजह से टेंजेंट की स्लोप फाइंड की थी, ताकि हम नॉर्मल लाइन की स्लोप आसानी से फाइंड कर सकें, उसकी मदद से फाइंड कर सकें। तो यहाँ से हमारे पास M2 की वैल्यू आ जाती है, बल्कि यहाँ पर जो है ये इसकी, ये इसकी वैल्यू है माइनस ऑफ एक्स वन प्लस जी ओवर वाई वन प्लस एफ, ठीक है, ये हमने गलत कैलकुलेट किया था, तो ये थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ पर। अच्छा अब एम टू इक्वल टू किसके आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, उसके अलावा जो है इन्वर्स हो जाएगा, एक्स वाई वन प्लस एफ ऊपर आ जाएगा ओवर एक्स वन प्लस जी, ये जो है नॉर्मल टू द कर्व जो लाइन बन रही है, ठीक है, उसकी स्लोप है वाई वन प्लस एफ ओवर एक्स वन प्लस जी। चलिए मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ कि हमारे पास स्लोप आ चुकी है एम टू की वैल्यू वाई वन प्लस एफ ओवर एक्स वन प्लस जी। अब हमें लाइन इस यानी कि नॉर्मल टू द कर्व की इक्वेशन चाहिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, ठीक है, वो क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है, ये इक्वेशन होती है नॉर्मल टू द कर्व की, बल्कि ये किसी भी एक लाइन की हो सकती है, ठीक है। इसमें हमने y1 और x1 जो है उनकी वैल्यूज़ पुट करनी है, और ये वैल्यूज़ क्या होंगी, ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिस पॉइंट से वो यानी कि लाइन पास करी है। अब हमारे पास पॉइंट क्या है, और पॉइंट p है, और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने x1 y1 ही रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये सेम एज इट इज़ रहेंगे। उसके अलावा m2 जो है यहाँ पर स्लोप ऑफ दिस लाइन है, ठीक है, अब हम m2 की भी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है, तो y माइनस, अब अगर कोई और पॉइंट होता, ठीक है, तो यहाँ पे y1 और x1 की जगह वो उसके कोऑर्डिनेट्स रिप्लेस हो जाते, तो यहाँ पर x1 और y1 ही कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये एज इट इज़ रहेंगे। y1 इज़ इक्वल टू, अब m2 की वैल्यू हम पुट कर रहे थे y1 वन प्लस एफ ओवर एक्स वन प्लस जी, वाई वन प्लस एफ ओवर एक्स वन प्लस जी इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये हमारे पास जो है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आपके पास आ जाता है वाई माइनस वाई वन इंटू एक्स वन प्लस जी हो जाएगा, एक्स वन प्लस जी
is equal to y1 plus f into x minus x1. ठीक है, तो ये हमारे पास जो है equation of normal बन जाती है, equation of normal to the curve. अच्छा, अब एक theorem हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी lecture का भी time थोड़ा बाकी है, तो हम यहाँ पर theorem को cover कर लेते हैं. Theorem यहाँ पर क्या है कि एक, अगर मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, इसको एग्जैक्टली एक सर्कल की फॉर्म में ले आता हूँ मैं. ये मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है. अब इस सर्कल की इक्वेशन भी मुझे पता हो अगर, ठीक है, सपोज ये इसका सेंटर भी मुझे पता है कि यहाँ पर इसका जो है वो सेंटर लाई कर रहा है. अच्छा, अब सर्कल की इक्वेशन, जनरल इक्वेशन चले मैं ले लेता हूँ कि इसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, ये हमारे पास जो है एक सर्कल की इक्वेशन है. अब एक पॉइंट कोई एक ले लेता हूँ मैं, ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ यहाँ पर एक पॉइंट है, बल्कि सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, तो ये पॉइंट पी पॉइंट, ठीक है. इसी तरह से मैं एक और पॉइंट भी ले लेता हूँ, ठीक है, सपोज मैं कहता हूँ कि यहाँ पर करके एक पॉइंट ये लाई कर रहा है, इसको भी हम पी कह देते हैं, और एक और पॉइंट जो है वो आउट ऑफ द सर्कल है. अब इन तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है? तीनों पॉइंट्स में डिफरेंस एक तो साफ नज़र आ रहा है, उनकी लोकेशन डिफरेंट है, ठीक है. दूसरा जो मेन डिफरेंस वो ये है जो हमने यहाँ पर नोट करना है कि एक पॉइंट जो है वो बाउंड्री ऑफ द सर्कल पे लाई कर रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट जो है वो इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, और थर्ड पॉइंट जिसे आप ये देख रहे हैं, ये पॉइंट जो है वो आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है. तो इस तरह से हमारे पास तीन पॉइंट्स हो गए, एक ऑन द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, एक पॉइंट इनसाइड द सर्कल, और थर्ड पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक है. अब चलिए हम ऐसा करते हैं कि इस सेंटर पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं, जो कि जनरल इक्वेशन के मुताबिक माइनस जी और माइनस एफ इसके कोऑर्डिनेट्स बनते हैं. अब अगर मैं इन पॉइंट्स को सेंटर के साथ ज्वाइन करूं, ठीक है, मतलब ये मैं अगर ज्वाइन करता हूं इस सेंटर को इस पॉइंट पी के साथ, और फिर इसी तरह से इस पॉइंट पी को भी मैं सेंटर के साथ ज्वाइन करता हूँ, और इस पॉइंट पी को भी मैं सेंटर के साथ ज्वाइन करता हूँ. अब इन तीनों के यानी कि ऊपर हमने नोट ये करना है कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें गिवन है, हमें लोकेशन नहीं बताया गया, ठीक है, लोकेशन नहीं बताई गई, और हमें कहा गया है कि आपने मैथमेटिकली सॉल्व करके हमें बताना है कि क्या ये पॉइंट ऑन द यानी कि उसकी बाउंड्री पर लाई कर रहा होगा, या इनसाइड होगा, या फिर आउटसाइड द सर्कल होगा, ठीक है. तो फिर हम किस तरह से बताएंगे? फिर हम इस तरह से बता सकते हैं कि मैं इस पॉइंट को जिसके कोऑर्डिनेट्स हम चलें हम कहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो एक्स वन और वाई वन हैं, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं पॉइंट के. अब हम कहते हैं कि इस पॉइंट को अगर मैं इस यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल पे मैं पुट कर दूँ, तो ये क्या इक्वेशन बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है जी पुटिंग एक्स वन, बल्कि पॉइंट पी, पुटिंग पॉइंट जो है पी एक्स वन वाई वन, ठीक है, एक्स वन और वाई वन इन इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल. तो चलें पुट करके देख लेते हैं, ये बनता है एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई वन का स्क्वायर प्लस टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी, ठीक है. यानी कि ये मैंने जो है x को रिप्लेस कर दिया है x1 से, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है पॉइंट का, और उसके अलावा y को इक्वेशन में रिप्लेस कर दिया y1 से, क्योंकि पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है. तो इसकी ये प्रॉपर्टी होगी, यानी कि इसमें ये चीज़ शामिल होगी कि अगर जब हम ये पॉइंट पुट कर देंगे, इसके तीन तरह के रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, ठीक है, यहाँ पर मैं ज़ीरो लिख देता हूँ, या फिर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, या फिर इक्वल टू जीरो आएगा रिजल्ट, या फिर लेस देन जीरो आएगा, ठीक है. मतलब ये तीन पॉइंट्स जो है वो पॉसिबल हैं कि इन तीनों पॉइंट्स में से कोई ना कोई एक वैल्यू होगी. तो क्या हो सकता है?
या तो ग्रेटर देन जीरो इसका रिजल्ट आएगा पॉइंट जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन में पुट कर देने के बाद, या फिर इक्वल टू जीरो आएगा रिजल्ट, या फिर लेस देन जीरो आएगा। और इन तीनों से हमें पता चल जाता है कि अगर ग्रेटर देन जीरो है तो उसका मतलब क्या है कि पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर इक्वल टू जीरो रिजल्ट आता है तो पॉइंट जो है वो सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाया कर रहा है, और अगर लेस देन जीरो आता है उसका मतलब ये है कि पॉइंट जो है वो इसके यानी कि इनसाइड द सर्कल लाया कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है नोट करने वाली थी, ये एक थ्योरम है, इसका चले हम प्रूफ भी देख लेते हैं। एक छोटा सा प्रूफ मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट जो है वो माइनस फाइव और सिक्स है, ठीक है, ये पॉइंट इसको हमने डिटरमाइन करना है कि क्या ये जो है आउटसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, इनसाइड द सर्कल लाई कर रहा है, या फिर ऑन द सर्कल लाई कर रहा है, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ सर्कल भी हमें गिवन है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है और साथ में हमें पॉइंट गिवन है, पॉइंट को हमने चेक करना है कि ये कहाँ पर लाइक कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में इनके कोऑर्डिनेट्स, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, और ये वाई कोऑर्डिनेट है, इनको हम रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि पुट कर देता हूँ इस पॉइंट को मैं इस इक्वेशन में। तो माइनस फाइव का स्क्वेयर प्लस सिक्स का स्क्वेयर प्लस फोर इंटू माइनस फाइव माइनस सिक्स इंटू सिक्स माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसका रिजल्ट जो आपके पास आएगा वो है माइनस सेवन, और माइनस सेवन क्या होता है, माइनस सेवन इज लेस देन ज़ीरो होता है, ठीक है। इज लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है, हमने यहाँ पर ऊपर जो रिजल्ट देखा था थ्योरम में वो क्या था, अगर लेस देन ज़ीरो हो तो पॉइंट इज लाइंग इन साइड द सर्कल, ठीक है। तो यहाँ से हम कहेंगे कि पॉइंट कौन सा पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स है माइनस फाइव और सिक्स इज लाइंग या लाइस कह सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको फिर मिटा देता हूँ, लाइस इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल, और सर्कल कौन सा है जिसकी इक्वेशन हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस फोर एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इस सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। तो ये हमने एग्जांपल के साथ इसको समझ भी लिया कि आपको अगर इस तरह से क्वेश्चन किया जाए तो आपने किस तरह से उसको प्रूव करना है। तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और थ्योरम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं।